सिरमौर जिला में बढ़ते कोरोना के मामलों ने प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अकेले नाहन के गोविंदगढ़ मोहल्ला से अभी तक 115 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। जिला प्रशासन नाहन शहर के लोगों से अपील कर रहा है कि गोविंदगढ़ मोहल्ला में रहने वाले लोगों के संपर्क में आए लोग अपना कोरोना टेस्ट अवश्य करवाएं ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सिरमौर जिला के पौंटा साहिब और संगड़ाहा में कोविड केयर सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। मीडिया से बात करते हुए उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर आर के परूथी ने बताया कि गोविंदगढ़ मोहल्ले में लगातार कोरोना के मामले सामने आना चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी तक यहां पर करीब 900 लोगों की सैंपलिंग की जा चुकी है, जिसमें से 115 मामले पॉजिटिव आए हैं। उपायुक्त ने कहा कि यहाँ पर ये संक्रमण एक शादी के दौरान फैला है और सबसे पहले यहाँ एक गर्भवती महिला पॉजिटिव पाई गई थी। उपायुक्त ने कहा कि बढ़ते मामलों को देखते हुए नए कोविड केयर सेंटर खोले गए हैं और इसकी जरूरत अब जिला के हर सब डिवीजन में महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोविड केयर सेंटर को लेकर लोग भ्रांतियां फैलाते हैं, ऐसे में इससे बचने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसमें लोगों को अपना सहयोग देना चाहिए। जिला प्रशासन ने नाहन शहर के लोगों से अपील की है कि गोविंदगढ़ मोहल्ला में रहने वाले लोगों के संपर्क में आए लोग अपना कोरोना टेस्ट अवश्य करवाएं ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। जिला सिरमौर में जो कोरोना पॉजिटिव केसेज हैं, हमारा जो सुचारू रूप से चला हुआ था 10 के आसपास केसेज हमारे रहते थे, लेकिन जैसे गोविंदगढ़ में 10 तारीख को एक केस आया जो महिला प्रेग्नेंट थी और पॉजिटिव निकली, और यहाँ पे शादियों की वजह से जो गोविंदगढ़ मोहल्ले में हुई हैं, उसके बाद एकदम जो पॉजिटिव केसेज हैं उसमें काफ़ी इंक्रीज हुई है। पिछले कल भी 14 केस इसमें पॉजिटिव आए हैं। टोटल गोविंदगढ़ से ही हमारे पास 87 जो केसेज हैं वो पॉजिटिव आ चुके हैं, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से यहाँ पे जो हमारी सैंपलिंग है बड़ा अग्रेसिव वे से हर घर से सैंपल ले रहे हैं। 1200 के आसपास जो पॉपुलेशन है, आज शाम तक उम्मीद है मुझे कि सबकी सैंपलिंग कंप्लीट हो जाएगी। 900 के आसपास हम सैंपलिंग कर चुके हैं, तो 1200 में से अभी कुछ रिजल्ट्स आ जाने बाकी हैं, कुछ शाम को आएंगे। आज जो सैंपलिंग लेंगे उसके सैंपल कल आएंगे। अभी तक जो हमारे पास एक्टिव केसेज हैं वो 104 हैं, जिसमें गोविंदगढ़ के 87 केसेज हैं, लेकिन इसमें 7 केसेज ऐसे भी हैं जो रिकवर कर चुके हैं। तो जो लोग इनके संपर्क में आए हैं, मैं दोबारा से आग्रह करना चाहता हूं कि जो व्यक्ति गोविंदगढ़ के नाहन में कहीं पे भी काम करते थे वो लोग भी अपना सैंपलिंग के लिए आ गए हैं। और पिछले कल जो कोविड केयर सेंटर है पाउंटा में और संगड़ा में एक एक नोटिफाई किया हुआ है। पहले सरकार ने जो हमारा त्रिलोकपुर में कोविड केयर सेंटर है वो चला हुआ है, इसके अलावा सराह में हमारा कोविड केयर हेल्थ सेंटर है। जिस हिसाब से पॉजिटिव केसेज की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसी आवश्यकता महसूस की जा रही है कि हर सब रीजन पर एक एक कोविड केयर सेंटर हो। इसके बारे में लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि बेवजह इसमें किसी प्रकार की भ्रांतियां न फैलाएं। जो भी पॉजिटिव केस आते हैं उसको 108 में यहां से ट्रांसफ़र किया जाता है और वहां पे कमरे के अंदर रहते हैं। जो भी खाने पीने की व्यवस्था है या बाकी साफ सफाई की व्यवस्था है, लोग जो उसमें लगे रहते हैं पूरा पीपी किट पहन के चलते हैं। आम लोगों को इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे घर के पास है या क्या है। इसमें जब तक आप किसी के संपर्क में नहीं आते या जब आप पब्लिक प्लेस पे जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो नहीं करते कि आपने मास्क नहीं पहना हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग आप फॉलो नहीं कर रहे हैं या हाथ आप बार बार नहीं धो रहे हैं, तभी ये संभावना हो सकती है। जो कोविड केयर सेंटर बन रहे हैं हमारे जो नाहन के लोग हैं उन्हीं के लिए हैं, तो इसमें किसी प्रकार की भ्रांतियाँ असमंजस कोई शंका मन में ना रखें कि कहीं पे कोविड केयर सेंटर खोलने से ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई पॉजिटिव केसेस बढ़ जाएंगे। घर में रहें, अपनी इम्यूनिटी पे जोर दें, जो आयुष काढ़ा है काढ़ों का सेवन करें। सिरमौर जिला में अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या 125 हो चुकी है। सिरमौर जिला में अब तक 172 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं, जिनमें से 40 लोगों ने कोरोना को मात दी है और 7 लोग माइग्रेट हो चुके हैं। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।